गाजीगढ़ में पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर फायरिंग, घर से बुलाकर ले गए फिर मारपीट कर मारी गोली, चार पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज। शिवपुरी जिले के गोवर्धन थाना क्षेत्र के गाजीगढ़ गांव में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक के साथ मारपीट और फायरिंग का मामला सामने आया है। गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुए युवक को बैराड़ा अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल शिवपुरी रेफर किया गया है। वहीं पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार गोली लगने से गंभीर रूप से घायल अर्जुन फखेल ने घायल अवस्था में सीएचसी अस्पताल बैराड़ पर पुलिस को बताया कि मैं अपने घर के पास खड़ा था, तभी गांव के दीपू धाकड़, राजेश धाकड़ आए और मुझसे बोले कि हमारे साथ चल, तुझसे बात करना है। मैं दोनों के साथ राम जानकी मंदिर दीपू धाकड़ के घर के पास पहुंचा, जहां पर मुकेश धाकड़, गजेंद्र धाकड़ खड़े थे तथा मेरे घर के भगवान सिंह शिशुपाल भी खड़े थे। जिसके बाद पुरानी रंजिश पर से दीपू धाकड़ मुझसे बोला कि तू बहुत बड़ा दादा बनता है और मुझे माँ बहन की गंदी गंदी गाली देने लगे। मैंने गाली देने से मना किया तो मुकेश धाकड़, राजेश धाकड़ और गजेंद्र धाकड़ ने मुझे पटक लिया और पटक कर लात, खूंसों और डंडों से मारपीट की। मैं डर कर वहाँ से भागा तो दीपू धाकड़ ने हथियार निकालकर जान से मारने की नीयत से मुझ पर गोली चलाई जो मेरे दाहिने पैर के घुटने के ऊपर जांग में लगी। पुलिस ने अर्जुन बघेल निवासी गाजीगढ़ की रिपोर्ट पर चारों लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।